अंतरिक्ष में शहर बसाने का सपना देख रही इंसानी दुनिया के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। वो क्या है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार अंतरिक्ष में शिमला मिर्च पैदा करने में सफलता हासिल की है, जो अब तक के सबसे चुनौतीपूर्ण स्टेशन प्लांट प्रयोगों में से एक है। नासा ने बताया कि शिमला मिर्च को प्लांट हैबिटाट 04 में पैदा किया गया था और हाल ही में शिमला मिर्च की पहली फसल की कटाई भी कर ली गई है। इस शिमला मिर्च को वहां मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने एक शानदार टाकोज डिश में बनाकर उसका आनंद लिया। गाइस, क्या आप भी अंतरिक्ष में जाकर इस शिमला मिर्च को खाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, वो कहते हैं ना कि जोड़ियां भगवान के घर ही बनकर आती हैं। एक ऐसी ही जोड़ी है भारत हरियाणा के निरंजन कश्यप और मेक्सिको की दाना नाम की लड़की की। मजे की बात यह है कि इनकी लव स्टोरी की शुरुआत एक ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग ऐप के जरिए हुई थी, जहां एक तरफ निरंजन स्पैनिश सीख रहे थे, वहीं दूसरी ओर दाना इंग्लिश सीख रही थी। फिर क्या था, दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे और फाइनली अप्रैल 2020 में उनकी शादी हो गई। इलॉन मस्क आम आदमी को अंतरिक्ष की यात्रा और इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के आइडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब इंसानी दिमाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने की कोशिश में भी शामिल हो चुके हैं, जिसे नाम दिया गया है न्यूरा लिंक, जो मस्क की न्यूरल इंटरफेस टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी मदद से एक इंसान के दिमाग में चिप इंसर्ट कर दी जाएगी, जो न सिर्फ दिमाग की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेगी, उस पर असर भी डाल सकेगी। इस हाईटेक तरीके का यूज 6 सप्ताह पहले एक बंदर के अंदर न्यूरालिंक चिप को लगाकर किया गया था। इसके बाद उसका असर इस बंदर पर ऐसे हुआ कि वो बंदर जॉयस्टिक की मदद से वीडियो गेम तक खेलने लगा। गाइस, इलॉन मस्क के इस क्रेजी टेक्नोलॉजी के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। जहां एक ओर भारत में 5G आने वाला है, वहीं दूसरी ओर चीन और अमेरिका में 6G की टेस्टिंग शुरू हो गई है। लेकिन जापान ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसे सुनने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की लैब में टेस्टिंग के दौरान इंटरनेट की स्पीड 319 टेराबाइट प्रति सेकेंड आई है। इसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसकी स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक सेकंड में एक यूजर 57,000 से ज्यादा फिल्में डाउनलोड कर सकता है। गाइस, अगर आपको भी ऐसी स्पीड मिल जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, हाल ही में अमेरिका के एक 29 साल के लड़के ने एक डेटिंग वेबसाइट पर $9,000 यानी कि करीबन 7 लाख रुपयों का केस फाइल किया है, और रीजन जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। एक्चुअली वो लड़का काफी डेस्परेट था और अपनी पार्टनर को ढूंढने के लिए उसने डेटिंग वेबसाइट को ज्वाइन किया था, लेकिन उसे कोई पार्टनर मिला ही नहीं, और इस बात से नाराज होकर उसने डेटिंग वेबसाइट पर ही केस कर डाला, ये कहते हुए कि डेटिंग वेबसाइट एकदम बेकार है। और उसने ये भी कहा कि मैं तो बहुत स्मार्ट दिखता हूँ और इस वेबसाइट पर मुझे कोई लड़की मिली ही नहीं। गाइस, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।